अस्सलाम वालेकुम निगस किचन में खुश आमदीद भाई। आप मेरे आगे पीछे देख रहे होंगे, बड़ी चमक धमक और कलरफुल कपड़े आपको नज़र आ रहे होंगे। मैं जी आप आज निकली हूँ और शॉपिंग पे, मेरी फ्रेंड की बेटी की शादी है तो मैं उसकी तैयारियाँ कर रही हूँ। कुछ मैचिंग लेनी है, कुछ और चीज़ें हमने लेनी थी, दुपट्टे लेने थे, तो एक चलते चलते एक शॉप पर मैं आ गई हूँ और वो शॉप ने मुझे वहीं रोक लिया है और जो मैंने चीज़ें नहीं लेनी थी मैंने वो भी ले ली है। तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैंने क्या शॉपिंग की है। ये जी देखिए कितना खूबसूरत ये शॉल है, ये दुपट्टा देखिए आप, प्योर चाइना सिल्क है ये। ब्लॉक प्रिंट के बाद हैंड वर्क के साथ। अच्छा, ये जी बता रहे हैं कि ब्लॉक प्रिंट है और उसके बाद जी सारा जो है ये मिरर पर्ल और ये कुछ गोटा टाइप का तिल्ले का काम ये हुआ हुआ है। और मैंने जो है वो ये शॉल पसंद की है, मुझे कोई शॉल वगैरह कुछ भी नहीं लेना था लेकिन मुझे ये चुनरी और उस पर इस तरह का काम बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं काफ़ी अरसे से तलाश में थी कि मुझे कुछ ऐसा मिल जाए, तो आज मुझे यहाँ रावी सेंटर में आई हूँ और वहाँ पर एक शॉप है, इनका नाम मैं अभी आपको मेंशन करती हूँ, अरूबा फैब्रिक्स नाम है। और यहाँ पर जो है वो मुझे वो चीज़ें मिली हैं जो मुझे हमेशा तलाश रहती है, प्योर कपड़ा। और इसका मुझे बहुत शुरू से शौक है, पहनना है तो जी कोशिश करके ढूंढना है कि जी प्योर लेना है। तो यहाँ पर इंडियन है, अपने पाकिस्तानी ब्रांड है और बहुत खूबसूरत एक ड्रेस आपको दिखाती हूँ जो मुझे बहुत पसंद आया है। उस ये शॉल तो मैंने ले ली है और एक ड्रेस है वो मुझे बहुत पसंद आया है, उस पर मैं रुक गई हूँ, अभी मैं जा रही थी लेकिन वो ड्रेस ने मुझे रोक दिया है। तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि ये ड्रेस कैसा आपको लग रहा है। ये भी प्योर पर है, बहुत खूबसूरत है। ये जी देखें, ये कलर देखें इसका, जोर थोड़ा ऊँचा बोले। ये रॉ सिल्क का कपड़ा है, मटेरियल गले दामन पे काम किया है, सीक्वेंस और तिल्ले का, ठीक है। साथ जो है ना ये साथ दुपट्टा है, ये जी दुपट्टा है, इसमें लेना है उसमें लेना है। ये इसका दुपट्टा है, प्योर रॉ सिल्क है और इसका इस पर ये बारीक जो है तिल्ले का और इस पे सीक्वेंस लगे हुए हैं, ये बहुत ही प्यारा इस पे बारीक काम है। और ये साठ ट्राउजर पे काम है, आजकल चल रहे बड़ा इन्हें काम, एक साइड पे ये है दूसरी साइड तो सेम एज इट इज यही काम है। इसका प्लाजो भी बना सकते हैं, दूसरे जो मर्जी जिस तरह आजकल के प्लाजो वगैरह चल रहे हैं वो। तो ये कलर मुझे अच्छा लगा है और ये मैंने किसी के लिए लेना है और गिफ्ट करना है, तो मुझे ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि ये चीज़ अगर आप गिफ्ट करें तो आपको जो चीज़ आप अपने लिए पसंद करते हैं वो आप अपने फ्रेंड के लिए भी पसंद करें। तो ये मैंने अपनी फ्रेंड के लिए पसंद किया है, आपको बताऊंगी कि कौन सी फ्रेंड के लिए मैंने पसंद किया है, तो आप मुझे बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। ये जी कार्ड है इसका, ये देखें और ये नाम है, आप ज़रूर ज़रूर विज़िट करें, यहाँ पर कमाल की वैरायटी है और इतना मुझे मज़ा आ रहा है। यहाँ पर लोग भी और भी आ रहे हैं तो मैं उनको भी कह रही हूँ कि भई आप लेकर क्यों नहीं जा रहे हैं, इतनी ज़बरदस्त वैरायटी है। एक ये सूट है, ये देखें, ये भी प्योर पर है, ग्रेप रॉ सिल्क है और इसका ये देखें कलर कॉम्बिनेशन, फ्लावर्स देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं और येलो कलर तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये देखें, ये इसका दुपट्टा है, ये इसका दुपट्टा है और ये सूट पे तो हमारा दिल आ गया है और हमना से मैं कह रही थी कि ये सूट आप ले लो क्योंकि ये इतना खूबसूरत है, आपके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। तो अब देखते हैं कि हम ये लेते हैं या रेड मैरून वाला लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अभी आपके साथ हम बाज़ार में थे, रावी सेंटर में आपके साथ थे और मैंने आपको अपनी शॉल दिखाई थी जो मैंने ले ली है। और अब आपको दोबारा भी दिखाती हूँ कि घर आके, जाहिर है जब हम, मेरी आदत बहुत है कि जब भी मैं कोई चीज़ लेती हूँ उसको घर आके देखने का जो मज़ा आता है ना वो आपको वहाँ पर नहीं आता, और घर आके उस चीज़ में और ज़्यादा वो चीज़ ज़्यादा खूबसूरत लगती है, वहाँ पे और भी इस तरह की चीज़ें होती हैं तो उसमें थोड़ा सा वो उसकी खूबसूरती कम हो जाती है लेकिन घर आके तो और निखर जाती है। तो खैर शॉल ले ली, अचानक से ली है, कोई इरादा नहीं था और उसके बाद हमने कुछ चीज़ें लेनी थी वो भी हमने ली हैं, वो भी आपको दिखाती हूँ। और दरअसल आज मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ, मेरी दोस्त की जो नमूद है, मेरी फ्रेंड लाहौर वाली, उनकी बेटी की शादी है नवंबर में, तो हमने कहा था कि एक माह पहले हम तैयारी शुरू करेंगे जो जो ड्रेसेस हमने सिलवाने हैं, तो अब बस एक माह रह गया है, नवंबर में उनकी शादी है।
तो मैंने सोचा कि चले अब तैयारी शुरू करते हैं, इसलिए कि मेरे मेहमान भी कराची से आने वाले हैं, मेरी बहनें आने वाली हैं, तो मैं उनके साथ बिज़ी हो जाऊंगी। तो इस वजह से मैंने कहा जो जो मुझे मेरे काम हैं मैं वो ख़त्म कर लूं, ताकि मैं अपनी बहनों के साथ इजी होकर इंजॉय करूं। तो मैं आपको शॉपिंग आज की भी दिखाती हूँ, और कुछ चीज़ें आपको दिखानी है जो मैंने शादी के लिए तैयार करनी है, कपड़े जो मैंने ड्रेसेस पहनने हैं, मेहंदी, बारात, वलीमा, तो वो सब आपको दिखाने हैं। और आपसे कुछ मशवरा भी लेना है कि मैं कौन सा कलर डाई करवाऊँ और किस तरह के ड्रेसेस किस तरह मैं सिलवाऊँ, आप मुझे बताएं। और कुछ ज्वेलरी भी मैंने निकाली है, वो भी मैंने मैचिंग की रखी है कि इन ड्रेसेस के साथ अच्छी लगेगी, क्योंकि आज हमने राबी सेंटर में बहुत ज़्यादा ज्वेलरी भी देखी, बहुत कमाल की ज्वेलरी थी और बहुत वैरायटी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। तो मैंने सोचा कि चलें घर में हमारे पास इतनी ज्वेलरी होती है, उनमें से ही मैं कुछ मैचिंग कर लेती हूँ, इतनी ज़्यादा ऑलरेडी इतनी ज़्यादा ज्वेलरी है और मज़ीद और ले लूँगी, तो मैंने कहा चलें घर से ही निकालते हैं, गुजारा करते हैं। तो कुछ ज्वेलरी मैंने निकाली है मैचिंग की और उनके साथ ड्रेसेस के साथ पहननी है। तो सबसे पहले मैं आपको शॉल दिखाती हूँ जो मैं लेकर आई हूँ। जी ये देखें, ये शॉल है और बहुत ही प्यारी शॉल है। मुझे तलाश थी कि फैब्रिक भी अच्छा हो और उसका काम भी बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इस इत्तेफाक से देखें, ये चाइना सिल्क है प्योर, और उसके ऊपर इन्होंने ब्लॉक प्रिंट की हुई है, और फिर उसके ऊपर ये मिरर वर्क है और तिल्ला है, और उसके अलावा पर्ल हैं, काफ़ी कुछ इसमें लगा हुआ है। तो जो मिरर वर्क है वो काफ़ी अच्छा, काफ़ी मज़बूत काम हुआ हुआ है, और सितारे भी हैं। तो ये काफ़ी मुझे एकदम से बहुत अच्छी लगी, अट्रैक्ट की। मैंने कहा भाई ये आई हूँ तो अब दूर इतनी जाना तो बहुत मुश्किल होता है। हम सिर्फ ज्वेलरी के लिए गए थे कि जी ज्वेलरी लेनी है, और कुछ हमने वो जो क्रश कपड़ा होता है वो मुझे यहाँ इतना नज़र नहीं आ रहा था इस्लामाबाद में, तो मैंने कहा वहीं से मिलेगा वहीं से लेते हैं। तो बस ये शॉल अच्छी लगी तो ये मैंने ले ली है। अब ये शादी पर तो मैंने नहीं पहननी है, ये अभी मैं फ़िलहाल मेरे शादी के कपड़े तो कंप्लीट हैं, तो ये अब मैं रख दूँगी। और मुझे अमना भी कह रही है और अनिया भी कह रही है कि इस कलर का सूट मैं डाई करवाऊँ, तो मेरा वैसे मूड था ये करवाऊँ, लेकिन ये कि बच्चे कह रहे हैं कि ये करवा लें आप पिंक कलर का, तो फिर प्लेन बिल्कुल तो बहुत अच्छा लगेगा। मैंने कहा चलें जब बनवाऊँगी तो फिर इसी तरह करूँगी कि प्लेन पिंक ही करवाऊँगी। तो जी ये शॉल आप देखें, उसकी खूबसूरती आप देखें। तो मुझे बस ये कि फैब्रिक बहुत ज़बरदस्त है, थोड़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन ये कि चीज़ बड़ी अच्छी है, तो बस मैंने ले ली है। तो चलें आप दूसरी चीज़ों की तरफ चलते हैं। मेरी फ्रेंड की बेटी की शादी है, और हमना की तीन फ्रेंड्स की शादियाँ, तीन या चार फ्रेंड की है। तो एक जो है जिनकी शादी पर मैंने भी जाना है, तो मैंने भी थोड़ी सी तैयारी कर ली है कि भाई ड्रेसेस तो वैसे रखे हुए हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन मुझे ये था कि मैं नया ड्रेस पहनूँ। तो मैंने जो है यामना की जो बेस्ट फ्रेंड है उसकी शादी है, तो उसके लिए ये ड्रेस मेरे पास रखा हुआ था, ये मैंने निकाला है। और ये भी मुझे हमज़ा की शादी पे गिफ्ट मिला था, तो मैंने सोचा कि इसे मैं स्टिच करवा लेती हूँ। ये फ्रंट है और इसका जो है वो ये सिंपल, इसका ये बैक है, ये है, और इसके साथ जो है वो ये मेरे ख्याल ये है, ये बॉर्डर वगैरह दिए हुए, ये फ्रंट के हैं और बैक के भी हैं, और ये ट्राउज़र का कपड़ा है, और ये जो है इसके साथ ये स्लीव्स हैं, और ये जो है ये मेरे ख्याल है, हाँ ये फ्रंट बैक का है, ये लग जाएगा, और ये जो है ये स्लीव्स हैं, ये हैं ये स्लीव्स हैं। तो ये अच्छा सा है, नफीस सा इसका काम है, कलर भी बहुत अच्छा मुझे लगा। और दुपट्टा आपको दिखाती हूँ, इसका दुपट्टा देखिए आप, लाइट स्काई ब्लू कलर का दुपट्टा है। ये देखिए, ये एक तरफ बॉर्डर है और दूसरी तरफ जो है ये बारीक बॉर्डर है। तो ये दुपट्टा है, और इसके साथ जो है मैंने ये सेट निकाला है, ये देखें ये सेट है। तो ये देखें कितना खूबसूरत है, सिल्वर ब्लू और सिल्वर है। तो ये मैं इसके साथ, ये है गले का और ये कान के, तो ये पहनूंगी, और ये भी इसके साथ अलग से हैं, ये भी पहनना चाहूँ तो ये भी पहन सकती हूँ, लेकिन ये उसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, आप ये देखें। तो इसके साथ मैंने ये ज्वेलरी पहननी है, और अब ये स्टिच करवाना है। ये जी देखें, एक शर्ट है मेरे पास, ये फैंसी शर्ट है। फैंसी शर्ट वगैरह इस तरह की मैंने बहुत कम पहनी है, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ली है,
और मुझे बहुत अच्छी लगी। वाइट पर सिल्वर भी है, गोल्डन सिल्वर भी है, गोल्डन भी है और वाइट भी है, तो मुझे ये अच्छी लगी। ये मैंने वलीमे के लिए सिलवाना जा रही हूँ और इसके साथ मैंने अभी लेना है वाइट ट्राउज़र और दुपट्टा, वो अभी मैंने नहीं लिया है तो वो अभी मैंने लेना है, वो मैं यहीं से लूँगी। और इसके साथ जो है ज्वेलरी मैंने निकाली है, इस पर मैंने सोचा था कि मैं ग्रीन कलर की ज्वेलरी पहनूंगी, तो एक ये मेरे पास है, आप मुझे बताइएगा कि ये अच्छे लग रहे हैं कि नहीं। ये देखें, ये इसमें ग्रीन स्टोन है और वाइट भी है और कुछ गोल्डन भी है, तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा है, तो आप मुझे बताइएगा कि इस पर ये अच्छा लग रहा है कि नहीं। और इसके साथ एक और भी है, ये देखें, ये हमना को ये पसंद आ रहे हैं, हमना कह रही है कि आप इसके साथ ये पहने। तो दुपट्टा इसका सिंपल ही रखूँगी, ट्राउज़र भी सिंपल, लॉन्ग शर्ट इसकी सिलवाऊँगी और सिंपल ट्राउज़र इसका सिलेगा, लेकिन मुझे थोड़े ये ज़्यादा पसंद आ रहे हैं क्योंकि इसमें ये ग्रीन स्टोन है तो, और थोड़े से बड़े भी हैं, गोल्डन भी है, तो मुझे ये अच्छा लग रहा है कि ये पहन लूँ। आप बताइएगा कि ये पहनूँ या ये पहनूँ। आज हम गए थे मंडी गए थे तो मैंने ये क्रश ली है, ये मैंने ली है शरारे के लिए, तो इसका शरारा बनाऊंगी या वो खुला जो ट्राउज़र चल रहा है प्लाज़ो जिसको कहते हैं, या वो बनेगा या वो शरारा बनेगा। तो ये मैंने ले लिया है कपड़ा, काफ़ी अच्छा, काफ़ी ज़्यादा कपड़ा मैंने लिया है और ये डाइएबल है, ये डाई इसको करना है। डाई जो है ना, मैंने जो आप डाई करना है, और उसके साथ शर्ट और दुपट्टा आपको दिखाती हूँ। ये जी देखें, ये है शर्ट, ये मैंने मुकेश का ड्रेस लिया था चाइना मार्केट से, मैंने वीडियो बनाई थी। देखें ये बटन स्टाइल है और ये डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद था, ये जैसे ही मैंने देखा मैंने ले लिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं सोच रही हूँ कि इसको मैं मेहंदी पे बनाती हूँ और इसको डाई मैंने करवाना है शॉकिंग पिंक कलर में। ये जी देखें, ये दुपट्टा है और इसके ऊपर अब मैंने सोचा है कि कोई सिल्वर थोड़ी सी लेसिंग वगैरह करूँगी, शर्ट पर थोड़ी सी इस पर लग जाएगी इसकी लेस और दुपट्टे पर थोड़ी लग जाएगी, तो इससे ज़रा और थोड़ी इसकी लुक बढ़ जाएगी। देखते हैं कि इसको गोटे की मैंने लेसिंग देखी है और लाइट वेट भी लेसिंग मैंने देखी है, तो जो भी अच्छी लगेगी वो फिर आपको साथ लेके चलेंगे, आपको भी दिखाएंगे। और ये देखें, ये इसके साथ मैंने लिया है और कलर जो मैंने करवाना है वो ये कलर करवाना है, क्योंकि इस कलर का मुझे, मैं बहुत ही कलर मैंने बहुत पहले पहना था। और ये जो ब्लाउज़ है, ये मेरे जहेज का ब्लाउज़ है, इस तरह की मेरे पास साड़ी है शॉकिंग पिंक और फिरोज़ी कलर में, तो ये उसी का ब्लाउज है। तो ये मैंने कलर निकाला है कि यही कलर मैंने डाई करवाना है, तो और इसके ऊपर सिल्वर ज्वेलरी मैं पहनूंगी और जो चप्पल है, जूती है, वो मेरे पास रखी हुई है, ज्वेलरी भी मेरे पास रखी हुई है। ये जी देखें, ये साड़ी मैंने देखें कितनी खूबसूरत इसका काम है, ये साड़ी मैंने लाहौर से ली थी और ये लाहौर से ली थी, इसमें पिंक और लाइट ग्रे सब इसमें शेड है, तो मैंने इसका ब्लाउज़ डाई करवा लिया है। ये जी है ब्लाउज़ का कपड़ा और ये जी है पेटीकोट का कपड़ा, और जो ब्लाउज़ का कपड़ा है वो थोड़ा सा मैंने लिया है, ऐसा थोड़ा सा मोटा है, ताकि ब्लाउज़ होता है फिटिंग में तो इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। ये रॉसिल्क है, ये मैंने रॉसिल्क का लिया है। इसके साथ ज्वेलरी देखने में गई थी पिंडी के, मैं वहाँ से कोई ज्वेलरी देखूँगी और पिंक और वाइट में, तो बहुत अच्छी ज्वेलरी थी वहाँ पे, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, तो ये मुझे घर से मैंने निकाले हैं। ये देखें, ये पिंक कलर के हैं, पिंक और वाइट हैं, ये मैंने सोचा है कि इसके साथ ये पहन लूँ। और ये देखें, बड़े ही प्यारे से हैं, नाजुक सा इसका काम है। और इसके साथ ये जो लड़ी है, ये बहुत प्यारी सी है, ये रियल पर्ल की है, तो मैंने सोचा है कि ये इसके साथ पहन लूँ और इसके साथ ये मैं चला लूँ और नया सेट ना ख़रीदूँ, तो मेरा ये काम चल जाएगा इसके साथ। जी हमना ने मुझे गिफ्ट की थी, ये मैंने लामा से ली थी और इसके अंदर भी आप देखें ग्रे, थोड़ा सा ग्रे ग्रेश सा आ रहा है शेड, और इसमें भी है, और ये जो स्टोन्स हैं ये पिंक शेड इसका दे रहे हैं, तो ये मैंने इसी की मैचिंग की ली थी कि ये इसके साथ बहुत अच्छी जाएगी। तो ये तो कंप्लीट हो गया है और जी अभी ये शादी की तैयारी शुरू हुई है और अभी हमने लेसें वगैरह लेनी है जो मैंने मुकेश के सूट पे लगानी है, गोटे वाली है जैसी भी है, और इसके अलावा जब स्टिच होके आएंगे, ड्रेसेस रेडी हो जाएंगे, डाई हो जाएंगे,
तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, ज़रूर शेयर करूंगी कि आप बताइएगा कि कैसे लग रहे हैं। तो बस अब ये काम शुरू हो गया हमारी तैयारियों का, और साथ साथ जो जो चीज़ें बनती जाएंगी आपके साथ शेयर करते जाएंगे। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द अपनी तैयारियों के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।